हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अंडा। तो आज की वीडियो में हम पिरिडीन, पिपेरिडीन तथा पाइरोल की क्षारिता की तुलना करेंगे, मतलब कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी ऑफ पिरिडीन, पिपेरिडीन एंड पाइरोल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, पिरिडीन क्या होते हैं, पाइरोल क्या होते हैं, पिपेरिडीन कैसे बनाते हैं। देन आज के वीडियो में हम इसकी क्षारिता की तुलना करेंगे, मतलब इनके जो भी बेसिसिटी होगा उसका हम कंपैरिजन करेंगे। तो इससे रिलेटेड काफी सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करो चाहे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बात करो, इस टॉपिक से काफी ज्यादा आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बताऊंगी विथ आंसर, जो कि आप लोगों को लिखना है अपने नोटबुक में। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को तीनों का डायग्राम ही बता देती हूँ, पिरिडीन, पिपेरिडीन एंड पाइरोल। तो यहाँ पे आप पिरिडीन देख रहे हो, तीन डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये जो होते हैं पिरिडीन होते हैं वो 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब यहाँ पे 6 मेंबर प्रेजेंट होते हैं। आप गिन के देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6। पिपेरिडीन की हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं, और पिरिडीन के द्वारा हम पिपेरिडीन का आसानी से फॉर्मेशन, रिडक्शन के द्वारा आसानी से फॉर्मेशन कर सकते हैं। पाइरोल की अगर हम बात करें तो 5 मेंबर रिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और इस तरीके से नाइट्रोजन हेट्रो एटम प्रेजेंट होते हैं। देखा जाए तो तीनों में नाइट्रोजन हेट्रो एटम यहाँ पर प्रेजेंट है। ये तो हुआ पिरिडीन, पिपेरिडीन और पाइरोल का स्ट्रक्चर। वैसे डिटेल में मैंने अलग अलग टॉपिक में ये सारे स्ट्रक्चर के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो आप बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस आप जरूर चेक करें। बट आज के वीडियो में हमें ये बताना है कि इनका बेसिसिटी ऑर्डर बताना है, मतलब क्षारिता का क्रम हमें बताना है कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा क्षारी होते हैं, कौन सा कंपाउंड ज्यादा बेसिक नेचर वाले होते हैं। तो देखिये, इस तरीके से मैंने बताया हुआ है, पाइरोल का जो क्षारी गुण होता है, मतलब ये अति दुर्बल क्षार होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा वीक बेस होते हैं, उससे थोड़ा सा ज्यादा पिरिडीन होते हैं, मतलब इनकी क्षारी जो इनकी जो क्षारिता है वो पाइरोल से थोड़ा ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा पिपेरिडीन का होता है। सबसे ज्यादा क्षारी गुण पिपेरिडीन में देखने को मिलता है, उसके बाद पिरिडीन, उसके बाद लास्ट में पाइरोल। तो ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, या फिर 1 नंबर के लिए कहीं भी पूछे जा सकते हैं। तीनों को आप लोगों को दे दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि इसे बेसिसिटी ऑर्डर में अरेन्ज कीजिए, तो आपको इसी तरीके से इसे अच्छे से अरेन्ज करना है। सबसे ज्यादा क्षारी गुण पिपेरिडीन प्रदर्शित करते हैं, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर आपका, उसके बाद पिरिडीन, उसके बाद लास्ट में पाइरोल। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि आखिर ये जो पाइरोल होते हैं वो इतने वीक बेस क्यों होते हैं। वैसे पाइरोल का जब मैं आप लोगों को केमिकल रिएक्शन बता रही थी, उस समय भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि पाइरोल आखिर इतने वीक बेस क्यों होते हैं, दुर्बल क्षार क्यों होते हैं पाइरोल। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ, मुश्किल से 3 से 4 लाइन में ही आपको इसका आंसर लिखना होता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको केवल 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो अब जैसा कि हम इसका बेसिसिटी ऑर्डर देख ही लिए हैं, तो हमें यही सबसे पहले बताना है कि आखिर जो पाइरोल होते हैं वो वीक बेस क्यों होते हैं, अत्यंत दुर्बल क्षार क्यों होते हैं। यहाँ पे मैंने पाइरोल का डायग्राम बनाया हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है, नाइट्रोजन में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट होते हैं, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं पाइरोल के नाइट्रोजन हेट्रो एटम में। हम ये भी जानते हैं कि पाइरोल रेजोनेंस प्रदर्शित करते हैं, मतलब रेजोनेंस के कारण ये जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सारे पोजिशन में रोटेट होते रहते हैं। यहाँ पे आप आंसर देखिए, रेजोनेंस मतलब अनुनाद के कारण नाइट्रोजन एटम का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग की अन्य पोजीशन पर चले जाते हैं, मतलब ये जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है रेजोनेंस के कारण। रेजोनेंस में क्या होता है, सारे बॉन्ड जो है वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। तो अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रेजोनेंस अनुनाद के कारण ये भी क्या होगा, सारे पोजीशन में रोटेट होते रहते हैं। अतः यह इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है, मतलब अगर नाइट्रोजन के साथ अगर कोई प्रोटॉन रिएक्शन करना चाहते हैं तो उस टाइम ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये रिंग के किसी अन्य पोजीशन पर उपस्थित होते हैं। तो सीधे सिंपल से यही है कि पाइरोल इतने वीक बेस इसलिए होते हैं क्योंकि प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करते समय ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इस साइकिल के किसी अदर पोजीशन पे उपस्थित होते हैं रेजोनेंस के कारण, अनुनाद के कारण। इसलिए जो पाइरोल होते हैं वो अत्यंत वीक बेस होते हैं। अगर आप इसका आंसर और भी ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो आप पाइरोल का आप सर्च कर सकते हो नॉलेज अड्डा करके, आप पाइरोल का केमिकल रिएक्शन देखिए,
पार्ट टू है आई थिंक, तो उसमें आप लोगों को ये और भी डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है। हालांकि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है तो आंसर आपको दो तीन लाइन में ही कम्प्लीट करना है, तो ये आंसर इसका करेक्ट है। तो क्लियर हुआ आपको? अब चलिए हम लोग देखते हैं, एक और नया क्वेश्चन देख लेते हैं। पिरिडीन पायरोल की से मतलब पिरिडीन पायरोल से अधिक बेसिक नेचर वाले क्यों होते हैं, अधिक क्षारी क्यों होते हैं। अब देखिए यहाँ पे पिरिडीन पायरोल, तो कहीं ना कहीं पिरिडीन जो होते हैं वो पायरोल से थोड़ा ज्यादा बेसिक नेचर वाले होते हैं। तो आखिर ऐसा क्या रीजन है कि पायरोल, ये तो आपको पता चल गया कि पायरोल इतने वीक बेस क्यों होते हैं, लेकिन अब हमें ये जानना है कि आखिर पायरोल पिरिडीन से मतलब पिरिडीन जो है वो पायरोल की अपेक्षा ज्यादा बेसिक नेचर वाले क्यों होते हैं। तो इसका आंसर देखिए, पिरिडीन में नाइट्रोजन एटम, यहाँ पे मैंने पिरिडीन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। पिरिडीन में नाइट्रोजन एटम का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हम पिरिडीन की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन के साथ संयोग करने के लिए इजिली अवेलेबल होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करने के लिए नाइट्रोजन पर उपस्थित होते हैं, जबकि पायरोल में आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। जबकि यहाँ पे मैंने बताया ही आपको कि पायरोल में ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से इस नाइट्रोजन पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं रेजोनेंस के कारण, जबकि पिरिडीन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पर आसानी से प्रोटॉन की जब क्रिया होती है तो उस समय नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से पिरिडीन पायरोल से अधिक क्षारीय होते हैं। मतलब केवल एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ही जितना भी बेसिसिटी नेचर है वो डिसाइड होता है। तो क्लियर हुआ आपको? दूसरा क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लेना कि आखिर पिरिडीन पायरोल से अधिक क्षारीय क्यों होते हैं, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। अब चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, पिरिडीन पिपेरिडीन से कम क्षारीय क्यों होते हैं। अब जैसा कि आप जान ही चुके हो कि जो पिपेरिडीन होता है वो सबसे ज्यादा क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं, मतलब इनका जो बेसिसिटी नेचर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो आखिर ऐसा क्या रीजन है कि ये पिरिडीन से भी ज्यादा क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इसका भी आंसर हम लोग दो तीन लाइन में ही कम्प्लीट करते हैं। तो गाइज देखिए, अगर वन नंबर का क्वेश्चन आता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है, तो कोशिश करो तीन से चार लाइन में ही आंसर हमारा कम्प्लीट हो जाए। तो हम पिरिडीन और पिपेरिडीन दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो ये जो साइन है आपको पता है कि ये जो पिपेरिडीन होता है वो ज्यादा बेसिक नेचर वाले होते हैं। तो पिरिडीन यहाँ पे दोनों में एक आकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट है, लेकिन ये जो पिरिडीन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन sp2 ऑर्बिटल, वो sp2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि पिपेरिडीन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो sp3 ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो पिरिडीन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन sp2 ऑर्बिटल, ये sp2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि ये इनका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पिपेरिडीन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो sp3 ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पिरिडीन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन sp3 ऑर्बिटल में होते हैं, जबकि पिरिडीन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में होते हैं, और हमें मालूम है कि sp2 ऑर्बिटल sp3 ऑर्बिटल के अपेक्षा स्मॉल होते हैं। हमको पता है कि sp2 ऑर्बिटल छोटे होते हैं sp3 ऑर्बिटल के कारण, तो इसी वजह से ये जो पिपेरिडीन होते हैं वो ज्यादा क्षारीय गुण या ज्यादा बेसिसिटी नेचर प्रदर्शित करते हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका आंसर दो से तीन लाइन का ही इसका आंसर है गाइस। तो आई थिंक अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये इस तरीके से इनका बेसिसिटी ऑर्डर क्यों है, क्यों ये एक दूसरे से कोई ज्यादा क्षारीय नेचर वाले हैं, कोई ज्यादा क्षारीय गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये सभी का आंसर आई थिंक इस नोट्स में कंप्लीट हो गया होगा। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर सकते हो इस टॉपिक से रिलेटेड, एंड आई होप यू गाइस आज का वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।